तो वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अपने कंबाइन द या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में अपना थर्ड रूल करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने दो रूल किए थे, पास्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन कौन सी होती है, टी ओ टू, उन सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं। उन सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास तीन प्रकार की चेंजेस आएंगे। इसमें हमारे पास तीन प्रकार ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ जो रूल्स आएंगे। सबसे पहले होगा कि टी ओ टू को अकेला प्रेपोजिशन को लगाना, दूसरा रूल होगा टी डब्ल्यू ओ टू और टी ओ टू का इस्तेमाल करना, और जो तीसरा रूल होगा वो रूल होगा हमारा जहाँ पे हम लोग सेंटेंस को आगे पीछे करके सेंटेंस में किसी प्रकार का चेंज लाएंगे। तो पहले हम लोग तीन सेंटेंसेस पढ़ते हैं अलग अलग रूल वाले। ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। तो पहले इसी के रूल को हम लोग एनालाइज करते हैं। इन केस वेयर ओनली टू इज़ टू बी यूज्ड, जहाँ पे केवल ऐसे वो सेंटेंसेस जहाँ पे केवल प्रेपोजिशन टी ओ टू का इस्तेमाल होगा। इसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, इफ़ बोथ दी नाउन और प्रनाउन आर सेम। नाउन और प्रनाउन क्या, जैसे यहाँ पे भी ही है और यहाँ पे भी है, अगर ये दोनों सेम हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में सेम है और सेम, देन वी विल नॉट यूज़ नाउन और प्रनाउन ऑफ द सेकेंड सेंटेंस। फिर हम लोग सेकेंड सेंटेंस का नाउन और प्रनाउन जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से फिर हम लोग देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैज़ हैव हैड, अगर दोनों के हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, जैसे यहाँ पे भी सेम है, तो दूसरे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस रूल के दो हिस्से हो गए कि पहले हम लोगों ने देखना है अगर दोनों नाउन और प्रनाउन सेम है तो हम लोगों ने दोनों में से पहला वाला यूज़ कर लेना और सेकंड सेंटेंस का जो प्रनाउन है वो या नाउन है वो यूज़ नहीं करना। इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब सेम है तो सेकंड सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। तो इसीलिए इस सेंटेंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, ई हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है और आपको पेपर में आ जाएगा यूज़ प्रेपोजिशन, या फिर ये भी आ सकता है यूज़ इन्फिनेटिव या यूज़ टी ओ टू, ब्रैकेट में आपको दिया गया होगा। तो इसीलिए इस में आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इजी सेंटेंस है, केवल टू लगाना है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रह जाना है। सिर्फ इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, नाउन और प्रनाउन और हेल्पिंग वर्ब अगर सेम है तो हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस में उसे हटा देना है, हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस में उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब दोनों सेंटेंस एक हो गया तो नाउन और हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही होगी, दो सेंटेंस है तो दो हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे। अब इसी का दूसरा पार्ट है, ही इज़ वेरी स्टिंगी, ही विल नॉट, अब दूसरा रूल है, ही इज़ वेरी स्टिंगी, ही विल नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी। ये ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे आपको वेरी एक्सट्रीमली ऐसे शब्द मिल जाएंगे, ए प्लेस वेरी एक्सट्रीमली क्वाइटली ऐसे शब्द मिलेंगे, और जहाँ पे ऐसे शब्द मिल गए वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन शब्दों को आपने टी डबल ओ टू के साथ, टी डब्ल्यू ओ टू के साथ रिप्लेस करना है। और इन सेंटेंसेस की एक और निशानी होगी, अगर आप लोगों को वेरी एक्सट्रीमली में प्रॉब्लम आ रही है, इन सेंटेंसेस की दूसरी ये निशानी होगी कि दूसरे वाला सेंटेंस में हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस होगा,
जो दूसरा सेंटेंस दूसरे नंबर पे सेंटेंस लिखा गया होगा उसमें जैसे ही विल नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी, ही कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी, तो उसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया होगा। और इसके अब रूल्स करते हैं। रूल देखिए, इन दीज सेंटेंसेस टी डब्लो टू इज यूज इन प्लेस ऑफ वेरी और एक्सट्रीमली। वेरी या एक्सट्रीमली की जगह पे हम लोग टी डब्लो टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव पार्ट दैट इज विल नॉट, कैन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय टू। नेगेटिव पार्ट कौन सा है हमारे सेंटेंस का? नेगेटिव पार्ट जैसे यहाँ पे हमारा है, सॉरी विल नॉट, इसको भी हम लोगों ने किसके साथ रिप्लेस कर देना है? टू के साथ। और एक और चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, इसमें भी अगर हमारी नाउन और प्रनाउन सेम है तो हम लोगों ने नाउन और प्रनाउन को एक ही बार यूज़ करना है, सेकंड सेंटेंस का नाउन और प्रनाउन यूज़ नहीं करना है। तो रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है वेरी की जगह पे टी डब्लो टू लगेगा, ही विल नॉट की जगह पे टी ओ टू लगेगा। इसकी जगह पे जहाँ पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हिस्सा है, इसकी जगह पे हम लोग टी ओ टू लगाएंगे। इसीलिए आंसर बन गया हमारा ही इज़ टू स्टिंगी टू हेल्प यू, ठीक है। वेरी की जगह पे टी डब्लो टू लग गया, नॉट के जगह पे विल नॉट की जगह पे टी ओ टू लग गया, क्योंकि नाउन सेम था, प्रनाउन सेम था, इसीलिए हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस का प्रनाउन यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस पहले लिख दिया जाए, शी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर IAS, शी हैज़ नो रिसोर्सेज। अब इसमें रूल क्या कहता है? इसमें रूल कहता है कि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे सेंटेंस का जो नेगेटिव हिस्सा है, जैसे पिछले सेंटेंस में तो दूसरे नंबर पे था तो हम लोगों ने टी डब्ल्यू टू लगा दिया, पर अगर नेगेटिव हिस्सा हमारा पहले लग गया, यानी वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फिर क्या रूल आएगा? फिर उसका रूल ये आएगा कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो आगे चला जाएगा टू लगाने के बाद। शी कैन नॉट जो है, शी कैन नॉट जो है वो टू के साथ रिप्लेस हो जाएगा शी, क्योंकि दोनों सेम थे, इसीलिए ये वाला शी जो है वो कट जाएगा। तो इसकी जो निशानी है कि किन सेंटेंसेस में आपने टू सेंटेंस को आगे पीछे करना है, उसकी यही निशानी है। जिन सेंटेंसेस में नेगेटिव हिस्सा विल नॉट, कैन नॉट, हैज़ नॉट वो पहले नंबर पे लगा होगा, उन सेंटेंसेस में आपने सेकंड सेंटेंस को आगे ले आना है और फर्स्ट सेंटेंस को पीछे ले जाना है। और बाकी रूल्स वही हैं, अगर नाउन पर नाउन सेम है तो एक ही नाउन पर नाउन लगाना है। और दूसरी चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि दूसरी चीज़ ये कि कैन नॉट को हम लोगों ने टू के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे ये सेंटेंस बन गया, शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर IAS, ठीक है। तो ये तीन रूल हम लोगों ने किए हैं प्रेपोजिशन के, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। आज यही रूल करना है हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने जो किया था वो था जिन सेंटेंसेस में हम लोगों के पास दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होंगे, जिन में दोनों सेंटेंस पॉजिटिव, किसी में नॉट नहीं लगा, उनमें हम लोगों ने क्या करना था? सबसे पहले ये देखना था कि दोनों के नाउन और प्रनाउन सेम तो नहीं है। नाउन और प्रनाउन सेम है तो सेकंड सेंटेंस का नाउन और प्रनाउन काट दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब देखनी थी, दोनों सेम तो नहीं है, सेम है तो सेकंड का हेल्पिंग वर्ब काट दिया और कंबाइन कर दिया। कैसे? ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम। अब दूसरा था जहाँ पे वेरी एक्सट्रीमली लगा होगा और सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा, वेरी और एक्सट्रीमली की जगह के ऊपर हम लोगों ने टी डब्लो टू का इस्तेमाल करना है और विल नॉट या नेगेटिव सेंटेंस की जगह पे हम लोगों ने टी ओ टू का इस्तेमाल करना है। और इसीलिए यह सेंटेंस बन गया था ही इज़ टू स्टिंगी टू स्पेंड अ सिंगल पेनी। और इसमें भी वही चीज़ देखनी है, अगर नाउन और प्रनाउन सेम है तो सेकंड वाले का नाउन और प्रनाउन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा था नेगेटिव सेंटेंस जब पहले आ जाए, जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है तो हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को आगे ले जाना है, सेकंड सेंटेंस को आगे ले जाना है और फर्स्ट सेंटेंस को पीछे ले जाना है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है क्या दोनों के जो हेल्पिंग वर्ब
या फिर नाउन प्रोनाउन सेम है। अगर नाउन प्रोनाउन सेम है तो सेकंड सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन काट देना है, कैन नॉट को हैज़ नॉट को हम लोगों ने टी ओ टू के साथ रिप्लेस कर देना है और हमारा आंसर बन गया शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर IAS। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर माई चैनल।